हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल अनदर वीडियो तो आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चन में सैलरी के साथ हम हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो so, सैलरी भी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है और हाउस प्रॉपर्टी भी आपको क्वेश्चन में दिया है उस तरीके का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कैलकुलेट द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सोहन फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इनकम फ्रॉम सैलरी आपको यहाँ पे दिया है टू लैक्स पर्टिकुलर्स हाउस वन हाउस टू म्यूनसिपल वैल्यू अगर आप देखो तो दोनों में वैल्यूज दे दिए है पेर रेंट इट्स फोर्टी थाउजेंड पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ एक्चुअल रेंट यू कैन चेक फर्स्ट में नील है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे भी आपको नील वैल्यू दिया रहेगा वो दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेकंड वाले हाउस में फोर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ है दैट विल बी एल ओपी अन रियलाइज रेंट ये नया पॉइंट इस क्वेश्चन में है अन रेंट फर्स्ट में नील है सेकंड में टेन थाउजेंड है क्या करना है आगे देखेंगे म्यूनिपल टैक्सेस पेड थर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन लोन वन लैख ट्वेंटी फाइव टू लैख थर्टी फाइव लैंड रेवेन्यू थर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड ईयर ऑफ लोन फर्स्ट आपने लोन लिया है 2015 में तो एसओपी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ लोन अगर फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट बनता है 30,000 और अगर 1999 के बाद अगर लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट बनता है 2 लैक्स तो यहाँ पे आपका 2015 है तो मैक्सिमम लिमिट बनेगा टू लैक्स सेकेंड हाउस के लिए तो कोई भी ईयर देखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है फर्स्ट मैंने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी तो आपको क्वेश्चन में दिया था इनकम फ्रॉम सैलरी एंड दैट इज टू लैक्स वो डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस वन एसओपी क्या था फॉर्मेट हमारा काफी सिंपल फॉर्मेट होता है जीएवी ऑब्लिक एन ए वी सेकेंड कॉलम में आपको नील लिखना है लेस डिडक्शन सेक्शन ट्वेंटी फोर इंटरेस्ट ऑन बोर फंड एक बार चेक कर लेते हैं देखो हाउस नंबर वन का इंटरेस्ट ऑन लोन हैलम में लिखा वन लैख ट्वेंटी फाइव मैक्सिमम लिमिट बनेगा आपका टू लैक्स क्यों बनेगा टू लैक्स बिकॉज आपने लोन

एल में सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एज जी ए वी जी ए वी कैसे ढूंढते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था तीन चीज़ों को जब आप कंपेयर करोगे तब आपको मिलता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सी तीन चीज़ें नंबर वन वैल्यू वैल्यू नंबर नंबर फेयर रेंट रेंट थर्ड एक्चुअल अब देखो आपके क्वेश्चन में कितना है म्यूनसिपल वैल्यू आपके क्वेश्चन में सेवन लैक्स है सॉरी फोर लैक्स है सेकेंड हाउस का हम देख रहे तो फोर लैक्स यहाँ पे लिखा फर्स्ट कॉलम फेयर रेंट कितना है फेयर रेंट है फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ तो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व किया तो कितना आया सिक्स लैक्स फर्स्ट कॉलम

अगर आप तीनों में से सबसे बड़ा वाला वैल्यू देखोगे तो कौन सा है सिक्स लैक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दिखाया तो सिक्स लैक्स हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो स्टेप नंबर वन एल का क्या होता है जी ए वी ढूंढना कैसे मिलता है मुंसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर ये आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद आपको म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने हैं लेट अस चेक हाउस नंबर टू के म्यूनसिपल टैक्सेस कितने हैं फिफ्टी थाउजेंड है तो यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड माइनस किए सिक्स लैक्स में से अगर आप फिफ्टी थाउजेंड को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड दैट इज़ एन ए नेट एनुअल वैल्यू उसके बाद आपको क्या करना है डिडक्शंस माइनस करने हैं अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ये हमेशा सेम आते हैं सिर्फ अमाउंट चेंज करना है नंबर वन स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑफ एन ढूंढोगे तो आपका कोई भी लिमिट नहीं होती रखना आपको कोई भी लिमिट नहीं होती एसओपी में ही लिमिट होती है तो यहाँ पे टू लैख थर्टी फाइव डायरेक्ट लिखा वन लैख सिक्सटी फाइव प्लस टू लैख थर्टी फाइव फोर अगर आप पाँच लाख पचास में से चार लाख को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इनकम फ्रॉम एल ओ पी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन द सेकेंड कॉलम देन हाउ डू वी गेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी गेट एल ओ पी माइनस एस ओ पी तो एल ओ पी इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एस ओ पी इज ऊपर वाला नेगेटिव वन लाख ट्वेंटी फाइव तो वन लाख फिफ्टी में से वन लाख ट्वेंटी फाइव माइनस किया तो आपका फाइनल आंसर थर्ड कॉलम में आ गया दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर हमें ढूंढना है ग्रॉस टोटल इनकम ये एक्स्ट्रा है जब दो हेड्स दिए रहेंगे तो दोनों हेड्स को प्लस करते हैं तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी टू लैक्स और यहाँ पे आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है इसलिए दोनों को ऐड कर लिया तो हमें आंसर मिल गया टू तो ये था आज का क्वेश्चन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको ध्यान रखना है इसका पी में भी आपको शेयर कर रहा हूँ तो पी भी आपको मिलते रहेगा टेलीग्राम के चैनल पर लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस उसको ज्वाइंट कर लेना थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर